सुपर 30 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में हम भूगोल से संबंधित केवल परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को ही देखेंगे, जिसमें एसएससी जेई रेलवे वीडियो लेखपाल आदि में पूछा गया क्वेश्चन है। इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? पहला है 275, दूसरा 450, सी है 480 और लास्ट वाला ऑप्शन है 400 572। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में जो आपका आंसर है वह 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की इस वाले बंगाल की खाड़ी के आसपास और हिंद महासागर के आसपास फैले हुए इस तरह के द्वीप समूह में 572 तरह के द्वीप स्थित है। ठीक है, डंकन दर्रा कहाँ अवस्थित है? गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चार ऑप्शन में से जो इसका आंसर है वह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डंकन दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, उस दर्रे का के नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश सरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला है पेंसिकला, दूसरा लीपुलेखा, तीसरा है बर्निहाल और चौथा है खारदुंगला। यहाँ पर बात किया जा रहा है तो उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में यहाँ पर इस ऑप्शन से दिया गया जो ऑप्शन है वह है लीपुलेखा। लीपुलेखा दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है, तो इसका जो आंसर होगा वह लीपुलेखा स्थित होगा। चौथा क्वेश्चन, तवांग और लासा को जोड़ने वाली दर्रे का क्या नाम है? चनकन दर्रा, बोमला दर्रा, हापुकन दर्रा, कुमाजवंग दर्रा। तवांग और लासा के आसपास जो दर्रा स्थित है वह बुमला दर्रा। इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा बुमला दर्रा हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा की बात किया जाता है किस सीमा रेखा पर स्थित है? पाक स्टेट, रेड क्लिफ स्टेट, डुरंड रेखा और मैकमोहन रेखा। इन चार ऑप्शनों में से आपका कौन सा आंसर होगा? अगर बात किया जाए भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में, ठीक है, जो पाक स्टेट रेखा और रेड क्लिफ यह इस रेखा की बात किया जाए तो यह जो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, डुरंड रेखा इसमें वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, बचा हुआ मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है यह जो रेखा है भारत और चीन के आसपास के, इस वजह से कर सकते हैं जो त्रिकोणीय जंक्शन भारत और चीन म्यांमार के बीच बनता है, जहाँ पर दीप दर्रा स्थित है वह है मैकमोहन रेखा, मतलब मैकमोहन रेखा पर दीप दर्रा स्थित है। अगला है, दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन, पहला ऑप्शन केरल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा, चौथा पश्चिम बंगाल। इन चार ऑप्शनों में से जो आपका आंसर होगा वह है उड़ीसा। उड़ीसा दर्रा जो है, सॉरी उड़ीसा राज्य ऐसा है जहां पर दरिंगवाड़ी हिल स्टेशन स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? कलसुईबाड़ी शिखर, अंजनेरी, सलहेर, तारामती। कलसुईबाई शिखर जो है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी के अंतर्गत आती है। आठवां क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई महान ग्रंथ रामायण, इसकी एक पंचवटी का उल्लेख मिलता है, ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। इन चार ऑप्शन में जो आंसर है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ही पंचवटी रामायण में उपयुक्त एक स्थल, प्रमुख स्थल का उल्लेख महाभारत में मिलता है, सॉरी महाराष्ट्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के ब्लॉक टावर से की जाती है? यह बात किया जा रहा है भारतीय मानक समय की बात किया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि गणना कहाँ के ब्लॉक टावर से की जाती है। पहला है हमीरपुर, दूसरा रामपुर, तीसरा मिर्जापुर, चौथा संबलपुर। हम जानते हैं कि भारतीय मानक समय जो 82.5 अंश जो यमुत्तर रेखा है, ठीक है, जो मिर्जापुर इलाहाबाद की मिर्जापुर से होकर गुजरती है, तो यहीं से यहाँ से जो ब्लैक टावर जिस समय का जो निर्धारण होता है भारतीय समय का निर्धारण, वो ब्लैक टावर इसी मिर्जापुर से लिया गया है। ठीक है, भारत की भौतिक विशिष्ट गाँव के संदर्भ में कायल, कायल का क्या अर्थ होता है? उत्तर पूर्व में जलोढ़ बाढ़ के मैदान, दूसरा ऑप्शन है टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा बनी झील, तीसरा है अप्रवाही जल, चौथा है ग्लेशियल क्ले का मोटा जवाब। कायल का क्या अर्थ होता है? कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है, कायल का अर्थ क्या होता है या कायल किससे संबंधित है?
जो आंसर होगा वह है अप्रवाही जल। अप्रवाही जल कायल का ही एक संदर्भित रूप है। आगे बात करें, नीलगिरी पहाड़ी भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? दर्रे को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिणी छोर, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चोला घाट दर्रा, पलकक्कड़ की खाड़ी, गोरम घाट दर्रा, मालसेज घाट दर्रा। हम जानते हैं कि पलकक्कड़ की खाड़ी का दूसरा नाम है पालघाट। पालघाट, ये जो पालघाट है वह नीलगिरी की पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो कलपक्कड़ की खाड़ी कह सकते हैं, चाहे पालघाट कह सकते हैं, यह जो दर्रा है यहाँ पर स्थित है। मतलब इस तरह से जो आंसर होगा वह भी पक्कड़ की खाड़ी होगी। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? नेपाल, गढ़वाल, भूटान, कुमायूं। चार ऑप्शन है, पहला है नेपाल, दूसरा गढ़वाल, तीसरा भूटान, चौथा कुमायूं। बात किया जा रहा है अन्नपूर्णा चोटी की। अन्नपूर्णा चोटी, ठीक है, हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल का जो क्षेत्र है अन्नपूर्णा चोटी, इसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नद मुख है? ऑप्शन है ए कृष्णा, बी महानदी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। निम्नलिखित कौन सी नदी ज्वार नद मुख है? तो इसका जो आंसर होगा है वह है नर्मदा, ठीक है। बाकी इस नदी की कृष्णा की, महानदी, गोदावरी की बात किया जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। तीन नदी हैं, कृष्णा, महानदी और गोदावरी। नर्मदा नदी की बात किया जाए तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदी है। इस वजह से इसे ज्वार नद मुख का कहते हैं। यह डेल्टा नहीं बनाती है नदी, ठीक है। निम्नलिखित में से हुआ कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी की बात किया जाए, कौन सी नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है या भारत के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा रावी, चौथा चिनाब। अगर बात किया जाए महानदी की, तो महानदी यह भारत से चलती है। रावी जो भारत में ही इसका उद्गम स्थान है, चिनाब भी भारत में ही, और यह सिंधु घाटी की, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब, ठीक है। महानदी की, यह दक्षिणी भारत की महानदी है। ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो भारत में इसका कोई संबंध नहीं है, भारत में आकर बहती है, लेकिन जो इसका उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है, वह तिब्बत के आसपास, चीन के आसपास, चीन में इसका उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, 15 अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? मतलब अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम का क्या नाम है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार और केदारनाथ। चार ऑप्शन, इसका जो आंसर है देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम स्थल का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। यही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में आकर के मिलती हैं। गढ़सोप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गढ़सोप्पा प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, पेरियार, सरावती और बैगे। बात किया जाए सरावती नदी, इस पर गढ़सोप्पा प्रपात स्थित है। बात करें गढ़सोप्पा प्रपात की, तो भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात है, ऊँचा जलप्रपात है, ठीक है। पेरियार नदी केरल की फेमस नदी पेरियार है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये बात करें सरदार सरोवर बांध, ठीक है, ताप्ती नदी, माही, चंबल, नर्मदा। चार ऑप्शन, ताप्ती, माही, चंबल, नर्मदा। बात करें सरदार सरोवर बांध का, यह बहुत बड़ा बांध है जो नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नर्मदा नदी पर ही स्थित एक जिसका यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? यमुना नहर, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर, अपर बारी दोआब नहर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा, सिंचाई नहर, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर के अंतर्गत आती है। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस
पर बनाया गया है? चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलज। चेनाब, महानदी, कृष्णा, सतलज। इसका आंसर होगा चेनाब। चेनाब नदी पर सलाल बांध है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। यह भारत के पश्चिम उत्तरी सीमा पर स्थित चेनाब नदी है। भारत में ताजे पानी की झील निम्नलिखित में कौन सी है? डल झील, पुलकट झील, भूलर झील, टिटिकाका झील। टिटिकाका झील की बात करें तो सबसे ऊंची झील, सब मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका झील है। भूलर झील की बात करें तो भूलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। भारत में अगर यह बात किया जाए तो ये विश्व में, विश्व टिटिकाका विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बुलर झील भारत की मीठे पानी की झील है, ठीक है। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सिंधु। नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, देखिए अर्जुन, अर्जुन का संबंध किससे होगा? कृष्ण से होगा, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर यह बांध बनाया गया है। कौन सा बांध? अर्जुन मतलब नागा अर्जुन, नागा अर्जुन बांध कृष्णा नदी पर, अर्जुन कृष्ण, अर्जुन कृष्ण, ठीक है। भारत का कृत्रिम बांध बंदरगाह कौन सा है? कांडला, बेंगलुरु, चेन्नई, मद्रास या हल्दिया। कांडला की बात करें तो यह गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित। इसका जो आंसर रहेगा चेन्नई। चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह और बहुत बड़ा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। इस बंदरगाह पर अत्याधुनिक तकनीकी अपनाई गई है इस बंदरगाह पे, ठीक है। यह पूर्वी घाट पर स्थित, पूर्वी घाट पर स्थित बंदरगाह है, कोरोमंडल तट के, कोरोमंडल तट पर, ठीक है। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? बात किया जाए भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? 6, 9, 10, 12। वैसे तो प्रमुख बंदर की ध्यान रखिएगा, वो वैसे तो कई बहुत सारे बंदरगाह हैं, बट यहाँ पर प्रमुख बंदरगाह की बात किया जा रहा है तो प्रमुख बंदरगाहों की संख्या वो 12 है। लेकिन अगर ऑप्शन में 13 है तो 13 भी आप लगा सकते हैं। अगर 12 के अलावा अगर 13 है, 12 नहीं है, 13 है तो 13 लगा सकते हैं, ठीक है। अगर 13 नहीं तो 12 लगा सकते हैं। प्रमुख बंदरगाह 12 है, ठीक है। इस तरह से इस सेशन में हमने 23 क्वेश्चन को सम्मिलित किया जो सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। धन्यवाद।